रेडी सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं कन्हैयालाल गुप्ता समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष। जल्द ही मैंने शिवसेना का दामन थामा है। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में मैं आज शिवसेना में शामिल हूँ। कन्हैया जी, जो आज हैदराबाद पर जो न्यूज आया है, जो सुबह से हर टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैला हुआ है, जहां हर भारत में सभी जगह मिठाइयां, उत्तर प्रदेश तक मिठाइयां लोगों को खिलाई जा रही है, कि ये निर्णय जो पुलिस का है काफ़ी सक्षम था और काफ़ी मजबूत था। जो 10 दिन के अंदर जो निर्णय था, ये क्राइम मतलब पुलिस तेलंगाना पुलिस का, वो निर्णय आपको कितना सही लगता है? आज सच पूछो तो क्रांति सूर्य महामानव भारत घटने के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जो स्मृति दिन है, स्मृति दिन पर मैं सबसे पहले अपनी तरफ से विनम्र अभिवादन देना चाहता हूँ। और आज सचमुच संविधान के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आज संविधान को संभालते हुए संविधान के अनुरूप जो काम पुलिस दल ने किया है हैदराबाद के, वो सचमुच उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। पुलिस के बेल्ट पर ही लिखा होता है सदर रक्षण आय फल निर्णय, सज्जनों की रक्षा करना और दुजनों का नाश करना। आज सचमुच जो घिनौना काम वहाँ के जो आरोपी थे पांचों ने जो घिनौना काम किया है, वो दंड के पात्र थे, उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। इस तरीके का वो घिनौना काम किया है उनका हम तीव्र निषेध करते हैं। और आज पुलिस ने जो काम किया है, वो पुलिस ने ये बता दिया कि भारत के साथ, भारत की घटना के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको पुलिस मुंह तोड़ जवाब दिए बिना रहेगी नहीं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पुलिस बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और पुलिस एक ऐसी ताकत है जो जब चाहे जैसे चाहे दुर्जनों का नाश करने में वो सक्षम है। भारत की पुलिस स्कॉटलैंड के बाद में पूरे विश्व में किसी पुलिस की चर्चा की जाती है और किसी के बारे में तारीफ की जाता है किसी पुलिस दल का, तो भारतवर्ष का किया जाता है। और भारतवर्ष के लिए आज सचमुच इन दर्जनों का जो आत्मा किया गया है, सचमुच आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति दिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी तो एक ऐसी बेटी जो एक माँ भी होती है, बेटी माँ जगदम्बे का स्वरूप मानी जाती है। और जब भी बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ किया है, जब भी हमारे पूर्वज ने महागाथा कही है, रामायण की बात हो चाहे महाभारत की बात हो, जिन्होंने बार बार बेटियों का तिरस्कार किया है, उस बेटियों के तिरस्कार के रूप में उनको मृत्यु दंड ही दिया गया है, चाहे वो भगवान के रूप में चाहे ऋषि महर्षि के रूप में, हमेशा वो दंड के पात्र है। और आज सचमुच में ऐसी घटना हुई है कि देश के पंतप्रधान ने अभी तक कोई इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, जो कि करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की भूमिका कहीं ना कहीं ठीक रही नहीं इस मुद्दे पर। तो मुझे ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा करना, जो बार बार अपने आइडियोलॉजी में अपने वचन पूर्ति में वो कहते हैं कि हम महिला की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, सचमुच में ऐसा कुछ भी चीज़ हमें नज़र नहीं आया। और आज हैदराबाद पुलिस ने जो काम किया है, मैं हैदराबाद के मुख्यमंत्री का, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर का, हैदराबाद के DCP का, हैदराबाद के जो पुलिस अधिकारी ने ये सराहनीय काम किया है, उसको वो एक काबिले तारीफ है, उनके लिए मेरी तरफ से सलूट है। जिस तरीके से स्कूल में सभी बच्चों को सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में, ठीक है, कि उसे जिस कारण मतलब बच्चे समझते कि कौन व्यक्ति सही है उनके लिए कौन नहीं सही है, तो ये शिक्षा अगर बॉयज को सिखाई जाए, मतलब लड़के लोगों को सिखाया जाए कि आपकी मानसिकता बड़े होते होते किस तरीके से चेंजेस होती है आपकी मानसिकता, आप एक औरतों और एक लेडी के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया अगर स्कूल सेक्शन से पाँचवीं से लड़कों को सिखाया जाए, तो ये जो रेप के जो केस है वो कम होंगे कि नहीं? सचमुच आपने एक अच्छी बात कही है। इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पहले भी सरकार ने बहुत सारी उपाय योजना शिक्षा व्यवस्था के लिए की थी, जिसमें सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में,
क्वांटम के बारे में और ऐसे बहुत सारे जन जागृति अभियान के माध्यम से हमने लोगों में संदेश देने का काम किया। हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित किस तरीके से रहें, उनकी मानसिकता कैसे पहचानी जाए, इसके बारे में भी अगर शिक्षा व्यवस्था में ये बात कही जाए, रखी जाए, तो ये सबसे अच्छी बात होगी, ताकि आने वाले दिनों में जो ये जघन्य अपराध अपराधियों के माध्यम से किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बेटी जो माँ होती है, बेटी माँ जगत जननी माँ जगदम्बे का अवतार होती है, और इस बेटी के बारे में जो भी ऐसा घिनौना कृत्य करेगा वो नर्क का भागीदार होगा। और आज सबसे बड़ी बात ये है, शिक्षिका व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग में उनके जीवन में ये बातें डाली जा सके कि आज हम कैसे ऐसी मानसिकता वाले लोगों को पहचाने, और ऐसी मानसिकता वाले लोग जो पहचाने जाए, जिसको पहचाना जाए, उसके बाद में उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, और इसके बारे में कौन सा अपराध बैठता है लोकल पुलिस स्टेशन में, और अपने जो प्रधानाचार्य हैं प्राध्यापक हैं उनको कैसे इससे अवगत कराया जाए और बताया जाए, ये बातें भी रखनी चाहिए। डॉक्टर बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से रेड्डी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी स्टोरी खत्म हुई? अभी जो कल की बात है, जो यूपी के उन्नाव में जो रेपिस जो रेप कांड के बाद जला दिया गया था बीच चौराहे पर, जो लड़की 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंची थी, आपको क्या लगता है ये हैदराबाद कांड के बाद जो पुलिस का पूरा सिस्टम है वो यूपी में काम करेगा या दिल्ली में भी काम करेगा? सबसे पहले हैदराबाद की पुलिस को जरूर करना चाहता हूँ, इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है कि दुर्जनों का कैसे विनाश करना है। आज हमारी कानून व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, इसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता समय से। निर्भया कांड आप सभी को जानते हैं, इतने वर्षों से 7 वर्षों से वो लटका पड़ा, आज तक उसके निर्भया को न्याय नहीं मिला, उसके माँ बाप हमेशा तिरंगे चरणों पर आकर के रो रहे। कानून व्यवस्था की सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं हिंदुस्तान में है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी साहब कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी तैयारी है, लेकिन सबसे बुरा हालत उत्तर प्रदेश में ही है कानून व्यवस्था का। कल ही आपने देखा कि उस उन्नाव की बेटी को पहले एक बार उन्होंने रेप किया, उसके बाद दुष्कर्म किया, जेल गए, जेल से छूट करके आए, तो उसके बाद उसको फिर से ले गए और उठा के ले गए, उसको जला दिया, उसको तो मुर्दा छोड़ के आए थे, क्योंकि उनको खौफ नहीं है, कानून का कोई खौफ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप सभी लोग जानते होंगे कि इतने उत्तर प्रदेश में कांड हुए हैं, अभी अभी चिन्मय स्वामी का देखे, अब चिन्मय जी बाहर है और जिस लड़की ने कंप्लेंट किया जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, उसको आई टी जेल में सड़ाया जा रहा है, चिन्मयान बाहर आराम से घूम रहे। दूसरे शंकर साहब, कुलदीप शंकर भाजपा के विधायक, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है लोगों ने, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं, आराम से जेल में बैठ के ऐस कर रहे हैं। इस तरह से भाजपा के इतने नेताओं का आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भाजपा के नेताओं पर BSS उत्तर प्रदेश में दर्ज है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कई लोग अंदर भी हैं कई बाहर। इसलिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं चलने वाला है इस देश में, आप सब कानून बनाइए और कानून के साथ साथ ये भी जवाबदारी उस मतलब है कि 6 महीने के अंदर निचले कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक फैसला हो जाना चाहिए, और ये जो राष्ट्रपति के पास याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका और संघ का याचिका लगा लगा करके टाइम पास किया जाता है वकीलों द्वारा, ये बंद होना चाहिए। कानून में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हाईकोर्ट में फाइनल अथॉरिटी रहेगी इस पर ऐसी जघन्य केसेस में शुरू करने के लिए, और 6 महीने के अंदर इनको फांसी में चढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, तभी खौफ कानून का खौफ उन लोगों के निगाह में बैठेगा, नहीं तो इस तरह से चलता रहेगा।
इसलिए सर आप क्या कहना? सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करके, जो हैदराबाद की पुलिस ने किया है, सवेरे मुझे 9 बजे तक पता चल गया कि चारों का एग्जाम हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने डॉक्टर रेड्डी के लिए एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट पर मैंने ये लिखा था कि कम से कम 2 महीने 15 दिन या 20 दिन 1 महीने के अंदर अगर इनको लटका के गोली मार दिया जाए तो भी ये जघन्य अपराध जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। एक तो अपने पूरे देश में आप देख लीजिए, चाहे बिहार हो, वहाँ भी 2 बच्चियों से उन्नाव हो, वहाँ भी आज भी कोई एक आपको मैटर अभी आजकल में मिल जाएगा कि 2 लड़कियाँ नदी में बहा दी गई हैं, उनका लाश मिला हुआ है और उनके साथ रेप हुआ है, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले मैं हैदराबाद की पुलिस ने जो भी काम किया है, हो सकता है कि उसके कुछ लोग कहें कि ये मुद्दे से हट करके है या कानून से बड़ा बाहर जा करके है, लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए इतना बड़ा काम हैदराबाद पुलिस ने किया है, हम सब मिल करके उनको सल्यूट कर रहे हैं। और इस तरह की पुलिस व्यवस्था और इस तरह से लोग और हमारे कानून में भी जो बैठे हुए लोग हैं, इस तरह से ही ट्रीटमेंट करें। तो डॉक्टर बाबूलाल जी ने अभी कहा कि कोर्ट तो ऐसा काम करे कि 6 महीना तो बाबूलाल जी मुझे लगता बहुत ज़्यादा है, अगर 2 महीने के अंदर इनका पता चल जाए और 2 महीने में इनको सरेआम फांसी दे दिया जाए, चौराहे पे फांसी दे, कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था कर दे, तो आज अपनी बहन बेटियां ये कभी जिंदगी में इस तरह से अपने पास में कभी दुख तकलीफ झेलने को या उनके माँ बाप या उनके परिजन को इस तरह से दोबारा पे सुनने को ना मिले। और मैं तो एक चाहूँ, हमारे पास फेसबुक के अंदर हम कभी 1-2 साल पहले से भी हम ये डालते रहते हैं कि बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, तो ठीक है हमारे छोटे बच्चे और बच्चियाँ 6-6 साल की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, ये हमारा देश और हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज बताइए आप, कोई भी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची अगर सेफ नहीं है तो आप क्या समझ सकते हो हमारा? मैं तो ये चलो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या सीएम हो, जो भी हो, जिस प्रदेश के सीएम हो, उनसे तो मैं आग्रह करता ही रहता हूँ, अपने कहीं भी मैं तो इतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता हूँ, बट आप लोगों के चैनल द्वारा मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कन्हैया भाई गुप्ता जी जैसे या डॉक्टर बाबूलाल जी जैसे, दया शंकर सिंह जैसे अगर कोई हो जो अपने आसपास की भी सुरक्षा कुछ कर सकते हो वो करें, और अगर किसी के द्वारा करा सकते हैं वो करें, और अपने देश की हालत बदले, मानसिकता बदले, और उसका एक ही उपाय है कि कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दिया जाए। निर्भया जैसे कि माँ बाप सब कितना हैरान, मेंटली सब लोग परेशान हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये दूसरा एक कांड हो रहा है, उन्नाव का हो रहा है। तो मैं इसी के साथ अपने चंद शब्दों में आपके द्वारा, आपके चैनल द्वारा कहूँगा, इसको पूरे देश विदेश में फैला दो कि इस तरह से दोबारा ये जघन्य अपराध ना हो। और हैदराबाद पुलिस तेलंगाना प्रदेश के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, जो इन्होंने आज ये काम करके दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि 99% मनोबल लोगों का गिरेगा, ऐसे काम फिर से घिनौना अपराध वो नहीं करेगा। जय हिंद।